मैट्रिक्स एक्ट लागू करो, लागू करो, मैट्रिक्स एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो, विवाद जस्टिस, विवाद जस्टिस, विवाद जस्टिस, विवाद जस्टिस, सदा हक सदा हक सदा हक। हमारी परेशानियां, हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वैसे थे CPWO कुक्स लैंड डोनर, हमने ज़मीन लैंड भी डोनेट की है और हम कुक का भी खाना बनाने का भी काम करते हैं। हमारे को कुक्स को दिया जाता है दिन का 30 रुपया, CPWO को दिया जाता है महीने का 300 रुपया। लैंड डोनर से कुछ नहीं, उन्होंने ज़मीनें दे दी है, उनको अभी उसका मुआवजा ना मिला है, ना उनको उनको बोला है कि नौकरी देंगे एक फोर्थ क्लास की, वो भी अभी ना नौकरी ना उनको कोई मुआवजा। और उसके बाद जो हमारे मतलब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बनाई है एडवाइजरी कमेटी जो बनी है, इसमें चेयरमैन है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, हमें उम्मीद है कि वो इसमें हमारा मसला जो मिनिमम वेज एक्ट का है वो हल हो जाएगा आने वाले 10 तारीख तक। अगर आने वाले 10 तारीख तक हल नहीं हुआ मिनिमम वेज एक्ट का मसला, तो हम रोडों पे भी आएंगे और स्कूलों में भी ताला चढ़ाएंगे, और हमारे परिवार भी आएंगे, और हम पूरे घर के परिवार के साथ आएंगे। हमारी तादाद है 30 से 35 हज़ार। प्रदर्शन इस चीज़ का है क्योंकि हम 20 सालों से काम कर रहे हैं मिड डे मील का, तो हमें पूरी तनख्वाह नहीं दी जाए। साल के बाद हमें कभी 1000 मिलता है, कभी 600 मिलता है, कभी 500 मिलता है। हम 500 पे काम करने लगे थे तो 500 से लेके 1000 तक पहुंचे थे, लेकिन उस 1000 से बढ़ के हमें नहीं तनख्वाह दी। लेकिन हम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से यही डिमांड करते हैं, हमें परमिट किया जाए। हमें तकरीबन अगर टीचरों को 50,000 या 60,000 तनख्वाह है, हमें भी 20,000 दिया जाए, क्योंकि वही टाइम वो देते हैं स्कूल में, वही हम भी देते हैं। हम यही चाहते हैं, अगर हमारी मांग इलेक्शन से पहले पूरी नहीं हो जाएगी, हम 35 परिवार हैं, हम 35 से ज़्यादा अपना बाल बच्चा लेके रोड पे आ जाएंगे।